इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर जब एसपी के रूप में काम कर रहा होता है उस समय वह अपने ज़िले में किस स्तर के ऑफिसरों को सस्पेंड कर सकता है, ये उसके पास जो पावर होती है वो कितनी रैंक तक के पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको सस्पेंड करने की होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि एक ज़िले का पुलिस का स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको हम देखें तो इसमें सबसे नीचे से अगर हम बात करें तो पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को एसपी सस्पेंड कर सकता है। दोस्तों, सस्पेंड कोई ऐसा नहीं होता है कि सर्विस से उसके लिए निकाल दिया गया है। बस सस्पेंशन में ये होता है कि उसके लिए जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा होता है उस पोस्ट पर सर्विस उसकी रोक दी जाती है और उसके लिए किसी न किसी डिपार्टमेंट, किसी न किसी ऑफिस से अटैच कर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए सैलरी भी मिलती रहती है, उसकी भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इसके बाद अगर कोई भी ऑफिसर सस्पेंड होता है, वो चाहे कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, वो सिर्फ अपील डीआईजी या आईजी ऑफिस में कर सकता है और उसकी जांच भी एक डीआईजी या आईजी के द्वारा की जाती है कि वास्तव में एसपी के द्वारा जो उसकी सर्विस से उसके लिए रोका गया है वो सही है या गलत है। अगर दोस्तों वो सही पाया जाता है तब तो उसकी आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन अगर वो गलत पाया जाता है तब वो उसके लिए फिर से जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा होता है वो पोस्ट दे दी जाती है और जो उसकी सैलरी होती है वो फुल उसको मिलने लगती है।